तो आखिर क्या सोचा है तुमने अपनी जिंदगी के बारे में? क्या सोचा है तुमने? आखिर कब तक ये लोगों से झूठ बोल बोल कर अपनी बातों को मनवाते रहोगे? शायद तुम्हें एक बात का इल्म नहीं है। क्या होता है कि इंसान बहुत मुश्किल से किसी पे भरोसा करता है, और अगर वो भरोसा टूट जाता है तो फिर दोबारा उसको कायम करना मुनासिब नहीं होता। समझ रहे होगे शायद जो मैं तुमसे कहना चाहता हूं, क्योंकि विश्वास घात में सिर्फ आघात का ही अंतर होता है। विश्वासघात कोई भी कभी भी किसी के साथ कर सकता है, लेकिन मेरी तुमसे ये गुजारिश है कि तुम कभी किसी के साथ ऐसा मत करना, क्योंकि अगर तुमने ऐसा कभी कुछ किया किसी के साथ तो लोगों का विश्वास पर से विश्वास उठ जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? इस दुनिया में बहुत तरीके के लोग पाए जाते हैं। ये जरूरी नहीं कि तुम उन्हीं लोगों का हिस्सा बनो, क्योंकि अगर तुम्हें कुछ अलग करना है तो तुम्हें खुद की ताबीर खुद की कलम से लिखनी होगी। शायद तुम मेरी बात को समझ रहे हो। तुम अनुपम हो, अद्वितीय हो, अक्षुण्य हो, तुम्हारा कोई पारावार नहीं है। जानते हो ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? जानते हो? क्योंकि मानव जाति का ये स्वभाव है कि वो विश्वास पात्र होना चाहिए, और तुम में ये खूबियां व्याप्त हैं। शायद यही कारण है कि मैं आज तुमसे यानी कि खुद से बातें कर रहा हूं। कभी कभी मुझे बड़ा अफसोस होता है उन लोगों पे कि जो लोग उन लोगों पे विश्वास कर लेते हैं जो किसी भी सूरत में विश्वास के काबिल नहीं है। पता नहीं वो ऐसा क्यों करते हैं। कभी कभी तो मैं विधाता से भी पूछना चाहता हूं, एक सवाल मेरे जहन में रहता है कि हे ईश्वर, ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? ये सवाल भी अपने आप में एक सवाल बन के रह जाता है, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं ईश्वर को भी ऐसा लगता है कि मैं अपना समय उन लोगों के साथ व्यतीत करूं जो लोग उसके काबिल हैं, जो लोग किए गए उपकार को समझते हैं, उसका ऋण चुकाने की क्षमता रखते हैं, नियत रखते हैं। बदनियत लोगों से ईश्वर भी बहुत दूर रहता है। बस सिर्फ इतनी सी गुजारिश है, इल्तिजा है और प्रार्थना है। गुजारिश है, इल्तिजा है और प्रार्थना है उन लोगों से कि जिन पे यदि कोई विश्वास करे तो उनके विश्वास का कभी भी खंडन मत करें। अर्थात कहने का अभिप्राय ये है कि उनके विश्वास पर विश्वास कायम करें। क्योंकि मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, एक बहुत पुरानी कहावत भी है और इसको हम रहीम के दोहे में भी सन्निहित कर सकते हैं। वही दोहा आपके सामने बोल देता हूं कि रहीमन धागा प्रेम का, रहीमन धागा प्रेम का मत तोरे चटकाए,
टूटे से फिर ना जुड़े और जुड़े गांठ पर जाए। केवल अभिप्राय और आशय इसका इतना ही है कि विश्वास अगर किसी ने आप पर किया है, कोई आपसे प्रेम की वाणी बोलता है, तो आप हमेशा उससे प्रेम की वाणी में ही उसका जवाब दें। और यदि आप कलाकार हैं, सच्चे मायनों में, सही मायनों में यदि आप कलाकार हैं, तो आप ऐसा करेंगे।